जो लगा आपके 2 दिन से लोग जो है दहशत में है, सो नहीं पा रहे हैं। कई मकान ऐसे मकान निकल गए, कई लोग दबने की सोचना है, कई पुलिया बह गई, कई ग्राहक बह गए। यहाँ पे लोग जो है पैदल, कोई लोग पैदल निकल गए, कोई लोग जो है अभी घरों में बंद हो रखे, बाहर निकलना लोगों को मुश्किल हो गया, मतलब बहुत कम चांसेस लोग बाहर निकल रहे। टिहरी जिले के ऊपरी हिस्से में कल देर रात भी भारी बारिश ने तनाव मचाए हुए है। टिहरी जिले के भूरा गजार क्षेत्र में एक आवासीय मकान ढहने से 2 लोगों के मलबे के दबने की सूचना है। वहीं राहत और बचाव दल द्वारा अभी 100 बरामद किया गया है। हमारे साथ स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद है, आइए जानते हैं कि कितनी दिक्कतें, कितनी परेशानी यहाँ पर होती है, किस तरह से यहाँ पर बारिश से अपना तनाव बचा हुए। आपका शुभ नाम? मैं भरत सिंह, ग्राम पंचायत पिंसार से। लेकिन जी कितना कोहरा यहाँ पर बारिश से बचा हुआ? ये लगा आपके 2 दिन से लोग जो है दहशत में है, सो नहीं पा रहे हैं। कई मकान ऐसे मकान निकल गए, कई लोग दबने की सोचना है, कई पुलिया बह गई, कई ग्राहक बह गए, फिर किसी हर गांव में कहीं दरारें पड़ गई, सड़कें पूरी डैमेज है, लोगों को आना जाना खाद्यान्न में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों की अगर बात की जाए तो किस तरह से यहाँ पर आओ जाई लोग कर रहे हैं? यहाँ पे लोग जो है पैदल, कोई लोग पैदल निकल रहे, कोई लोग जो है अभी घरों में बंद हो रखे, बाहर निकलना लोगों को मुश्किल हो गया, मतलब बहुत कम चांसेस लोग बाहर निकल रहे। लोग पूरे दहशती माहौल में, कहीं सड़कें निकल गई, कहीं आवासीय, यहाँ पे कई आवासीय मकान है वो निकल गई है, कई दुकानों क्षति हो गए। लगभग ये है कि बोले गिदार को पूरे खतरे के अंदर, पूरे जब के अंदर निकलने वाला है। तो लगातार 2 दिनों से बूढ़ा गया क्षेत्र में बारिश हो रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से नदी का रौद्र रूप लोगों को डरा रहा है। और कुछ समय पहले ही यहाँ पर कुछ दुकानें थी जो कि पूरी तरह से नदी में समा चुकी है। लगातार नदी का वेग बढ़ता जा रहा है। और अगर यहाँ पर बात करें तो लोग देखिए कि किस तरह से प्रशासन द्वारा लोगों को अलर्ट किया जा रहा है और यहाँ पर बैरिकेड किया गया है कि इससे आगे लोग न जाए। लगातार बारिश ने तानव मचाए हुए हैं। और बूढ़ागदा क्षेत्र की अगर बात करें तो कल देर रात से लगातार बारिश जारी है। राहत बचाव दल मौके पर मौजूद है। अभी तक 100 में 100 बरामद किया गया है। और लगातार अभी भी यहाँ पर कोहराम बारिश बचाए हुए है। इस तरफ के पीछे धर्मगंगा, ये जो गंगा यहाँ से बह रही है, ये बाल गंगा है, इस तरफ से धर्मगंगा, दोनों नदियां उफान पर है। धर्मगंगा की चपेट में आने से 2-3 घरों को खतरा बना हुआ है। घर का कई हिस्सा पानी में डूब चुका है। प्रशासन द्वारा एहतियात के तौर पर लोगों को स्कूलों में शिफ्ट किया गया है। किशुनगंज, टिहरी, आज तक।